अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक सोशल टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अमीन। नाज़रीन, इंसानियत की खिदमत करना बहुत बड़ी नेकी है और इससे भी बड़ी नेकी है गरीबों मसाकीन की खिदमत करना। नाज़रीन, इसी हवाले से आज मैं मौजूद हूं मोकल गांव में। लोग मौजूद हैं जिन्होंने एक तंजीम की बुनियाद रखी है जिसका नाम है फलाह इंसानियत मोकल। हम इसके वाइस चेयरमैन जनाब डॉक्टर कुर्बान साहब से जानते हैं कि इस तंजीम का मंशूर क्या है और लोग इनसे किस तरह रابطہ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपने जो फलाही तंजीम बनाई है फलाही इंसानियत मोकल, इसका मंशूर क्या है और इसके बाद ये हमें बताएं कि इसकी इंतज़ामिया कौन कौन सी। इस फलाही इंसानियत फाउंडेशन का मंशूर ये है गरीब बच्चियों की शादी, और जिसका कमाने वाला कोई नहीं है, भाई नहीं है, वालद नहीं है या रिश्तेदार अटैच नहीं है, उसे हम 30,000 रुपये शादी के लिए देंगे फीस भी लीला। और जिसका कमाने वाला है और ज़्यादा कारोबार नहीं है, हालात से तंग हैं, मतलब कि वक्ती तौर पर अफोर्ड नहीं कर सकता, शादी के फ़र्ज अदा नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसे ही है, उसे हम 30,000 रुपये देंगे और 1,000 रुपये माना किश्त देंगे, वापस करेंगे मंथली तौर पर। किसके तौर पर? उससे जो जो आप 30,000 रुपये देंगे उस मतलब कि वो ज़्यादा कमा नहीं सकता, उसके बाद इसने वसाइल नहीं है, तो आप वक्ती तौर पर उसकी हेल्प कर देंगे। तंजीम की इंतजामिया कौन कौन सी? सदर साहब हैं सरदार साहब, राबता सलीम मेंबर साहब, मेहर मोहम्मद सलीम मेंबर साहब, सदर है नायब सदर हैं डॉक्टर अफजल हबीबी साहब, चेयरमैन है सर मलिक शहजाद साहब, नायब चेयरमैन डॉक्टर कुर्बान अली, मैं खुद हूँ। नाज़रीन, हम जानते हैं इस तंजीम के सदर सरदार फहीम साहब से कि वो इस तंजीम को आगे किस तरह लेकर चलेंगे। ये इस तंजीम को तमाम लोगों के तावन के साथ चलाया जाएगा और जो लोग तावन करेंगे उनके साथ बेहतर मामलात, उनके मदद करने की कोशिश की जाएगी गरीब और मस्किन लोगों के। तो नाज़रीन, इस तंजीम की बुनियाद रख दी गई है तो वो ये लोग इस इलाके के लिए फलाही काम करना चाहते हैं, गरीबों मसाकीन लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो इस तंजीम से राबता करने के लिए मेयर सलीम मेंबर साहब से आप राबता कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ीशान अमीन को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।